सो बॉयज एंड गर्ल्स आज की वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना आज हम लोग ये खेलेंगे पहले स्क्रीन शॉट देता हूँ तो क्या इसे बता रहा है अभी कि हम लोग एक कैपरारा जगह पर रहते थे वो बहुत ही हाई हाईटिट्यू थी 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 रीजन था और सी लेवल्स अपने आप ही अनप्रिडिक्टेबल रोज होने लग गए थे वेलकम टू पोग वोज भाई हमारा कैरेक्टर बड़ा खतरनाक दिख रहा है वाई यू सी चंडर सेटिंग्स अब गाइस सेटिंग्स को मैंने बड़ा गंदे तरीके से डाल दिया मैंने इनसे मैक्सिमम में डाल दिया अभी इस डिफ़िकल्टी को डेटा इसके पता नहीं क्या है तो मैंने इसको बस डाल रखा है करीबन वन पे नहीं टेन पे रखा होगा तो उसके बाद मैंने नो सेकेंड चांसेस रखा था नजर पे तो अस्सी था तो मैंने देखा कम्पिटिटिव नहीं असिमेट्रिक मेट्रिक ही सही पार्टी में तो मैंने दो ही रखनी थी तो मैं बस देखा था सेट रैंडम हाँ मैं तब रखा हुआ था अब द टाइप चैलेंज नॉम साइकिल क्योंकि मैं बिलू डांस साइकिल पर ना इसलिए तो गाइस हम लोगों ने एवोल्यूशन बस फर्स्ट स्टेज ओनली रखा हुआ था क्योंकि यार मैं चाहता हूँ तो उसके बाद रेंडमाइज एवरीथिंग का रखा था मैंने बायप्रोग्राम को नहीं एवरीथिंग क्योंकि सब कुछ रेंडेमाइज़ कर सकते हो कस्टम डिफ्यूगल मैंने ऑन कर दी गलती से एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट दबाया एंड देन गाइस ये होता है डिक्रीज़ कर सकते लेकिन इंक्रीज नहीं तो उसके बाद हमको यहाँ जाता है तो उसके बाद मेरे ड्राइवर कैब आपको बैच होने नहीं किया तब तो मैं सेव करने वाला था लेकिन तब नहीं किया तो उसके बाद मैं कहते क्या कहते क्या भाई सेव स्टेज नहीं बचाया बैच दिस ओबे रखा हुआ था क्योंकि दिस ओबे करना बड़ा गंदा रखता है ना इसलिए और वाइज मैंने ऑन रखा हुआ था मतलब सिंगल यूज टाइम ऑफ़ कर दिए क्योंकि यह सही था अचीवमेंट्स भी मैंने ऑन कर रखे थे वाइट हाउट दि सेव कर दिया मैंने और ट्रेनर थेफ्ट ऑन रखा हुआ था पेंटिंग रिलीज कर दिया एरियर में तो मैंने फर्स्ट का रखा हुआ था और निक नेम स्क्वायर रखा हुआ था और टाइप चेंज मैं नहीं कर पा रहा था तो मैंने आईसी रख दिया मतलब बदल नहीं रहा था ना इसलिए तो भाई तब टाइम लाइन सेट कर दी तब उसके बाद वेट किया तब हम लोग आते हैं और आते हैं तब सो रहे होते तब हमारे माँ बाप आते हैं तब हमको वो कहते हैं कि बेटा जाग जाओ तुम्हारी मम्मी को वहाँ जाना है तुम्हारी मम्मी एक जिम्मेलीर है हमको बॉक्सेस लगाने हैं एक जगह पे और याद रखा बी से भाग सकते हैं तो उसके बाद हम लोग भागने लग जाते हैं तब मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो हमको कपड़े बदलने का आता है मैं अपने यहाँ पर पूरा का पूरा एक दो घंटा बर्बाद करता हूँ मैं सोच में पड़ा हुआ था कि यार है तो है कहाँ हम लोग कपड़े कहाँ करें मतलब तो कैसे बदले कपड़े मैं सोचा तो मैंने देखा यार यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है ऊपर से कहीं स्कोस्ट भी बड़ा सही बना रखा है मतलब काम पे नाम पे ना गाइस बहुत सही कर रहे हैं मैं ये नहीं कह सकता गलत है भाई बहुत अच्छा जो मैं बना रहे अभी तो ये लोग तो वैस में कन्फ्यूज था तो ऑटो रन डिसेबल तब एल सकते हैं क्या होता है तब ऑटो रन डिसेबल किया तब उसके बाद मैं जॉलता हुआ तब पता चला तो उसके बाद मेरी फीमेल मस्कूम फेमिनिन मैं कुछ नहीं समझ पाया मैं पे सोचा मेरे पे चले जाता हूँ डिता माएंग तो मैं चेक करने लग गया ना कि क्या क्या ड्रेसेस रखी हुई हैं भाई जब अभी जब तो मुझको ये याद नहीं था कि मैं नाम रखा या नहीं लेकिन फिर भी गाइस इस यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिखा रहे थे तो मैं डिटाइन रख दिया तब तो उसके बाद हम लोग बाहर गए तो हमारे पापा जी घर के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे थे तो उन्हें बहुत ही सारे भाषण दिया कि भाई तुम्हारे जो माँ है वो जिम रीडर है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं हमको बॉक्सेस लगाने होंगे जिम में चलो अब हम लोग जिम में चलते हैं ठीक है और पता नहीं कुछ पोके मेगा प्लेक्स है मुझे नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है तो हम लोग जाने लगते हैं और बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग की बेसमेंट को ठीक करते हैं सबसे पहले और तब तो उसके बाद हमको इन सबको हिराना है और गाइस अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है अब देखो भाई मैं फर्स्ट टाइम है तो मुझको ये नहीं पता था कि ये में क्या है गुड मैं अच्छा हूँ लेकिन मेरे पैर की हड्डी टूट गए अब मैं क्या करूँ मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ देखो कोई जाने का रास्ता अरे सीए तो ब्लॉक हो गई तब वो बताता है कि केव है हम लोग केव से जाने का कटे हैं गाइस इस गेम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और तब वो हमको नातू दे देता है ऐसा वो क्यों नातू एक सेककिंग टाइप होता है तो मुझको लगता है हाँ सेकेंड टाइप ही है मुझको पता नहीं गाइस इसका मतलब और फुल ही भी दे देता दे दे है भाई सही है और तब उसका मूविंग बॉक्सेस का हमारे साथ से अचीवमेंट पूरा नहीं हुआ था तो हम लोग अचीवमेंट पूरा करने निकल पाते हैं दोस्तों और तब वो बोलता है कि आप बोलते चाय बेस्ट करना मुझको पता है तुम्हें नहीं पता कैसे होता है मतलब वही बातें समझ जो खुद ही तब उसके बाद हम लोग केव के अंदर जाते हैं बजट कार्बन बस सही था यार तब मैं पुखे देखता हूँ नातू होता है भाई सैकेक होता है सही रहता है और वो बड़ी वैसी डिग रहता है तब मैं इग्नोर करता हूँ मतलब भाई देखो ना यहाँ पे कैच कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते भाई मतलब ये गेम है या कुछ और बात है इस गेम में तब मैं जाने लगता हूँ मैं पुके बॉल कलेक्ट करता हूँ तब उसके बाद गाइस हम लोग जा रहे होते हैं डेट से जंप करता हूँ तब एक और आती है अंदर से केफ मतलब केव के अंदर कितना घुसेंगे तब ये आता है तब हम लोग इसको भी फाइट करते हैं इसके अगेंस्ट ठीक है दोस्तों मैं सेव कर रखा होता है गेम तो मुझे उस चीज़ की चिंता तो होती नहीं है हम लोग फाइट करने लग जाते हैं दोस्तों ठीक है तब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं हम मैं ना वैसे ऑटो करता हूँ और देखता हूँ भाई ऑटो की मदद से तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि ना तुम्हें लड़ाई तो करनी नहीं होगी भाई ऑटो सच बता रहा रहो अगर पहले ऐसे जी जीव मैक्स में होता या जीबे गेम में भी होता मैंने भाई पूरा का पूरा वन हंड्रेड रेटिंग देना था और तो बड़ी सही चीज थी तब उसके बाद गाइस हम लोग नीचे जाने लगते हैं नीचे जाते जाते तब तो हम लोग एक और केफ के अंदर घुस जाते हैं तब दिख जाता था है और गाइस सबके साथ मैं ऑटो कर रहा था मुझे ये नहीं पता था कहीं पता चला हम लोग डेड हो गए लेकिन नहीं गाइस हमको नाइट सेड आ गया भाई बहुत बड़ी बात है नाइट सेड आ गया बहुत बड़ी बात है और तब का हमको ऐसे बहुत से प्रोग्राम मिलते हैं तब तो हमको एक कैसे वैसे मिलता है जो पूरी जो मैं बड़ा सही है गाइस मतलब खुद खे यार एक बार ही मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ आप लोगों को तब तो उसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा सा और घूमते हैं तब तो उसके बाद एक ही रास्ता बचता है तो मैं नीचे जा जाता हूँ अब सीधे सीधे नीचे जाता हूँ तब तो आते ही सकता हूँ तब तो उसके बाद पता नहीं ये अजीब वरीब एक मोन दिखता है जब एज में पहुँच जाते हैं हम तब उसके बाद हम लोग ऑटो कर देते हैं वापस तब जाने लगते हैं और तब हमको एक ग्रीन शार मिलता है बहुत ही अजीब ग्रीन शार होता है हम लोग पिकअप कर देते हैं तब जब हम लोग वापस जा रहे होते हैं दोस्तों हम लोग दो एक ज्योटिक से ट्राई कर देते हैं तब हम लोग हैप के बुलाते हैं क्योंकि हमको आवाज़ आती है कि कोई है उस साइड केप के तो कॉल फॉर हैप के आता बुला दिया तब जेनर्स आता है पता नहीं कोई बंदा वर्क को होता है वो कोई तब वो हमें बचाता है वो बोलते हैं सक जाओ भाई बड़ा सही है वैसे इसमें ऐसा नहीं है कि है बहुत सही रोमा का सही मैं अभी खा भी हूँ हाँ तो क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अपने मॉम डैड से बातें करते हैं डैड बोलते हैं मेरा पैर तो ठीक नहीं हुआ लेकिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है तुमने मम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया तब उसके बाद हमको कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए इस पोकेमॉन स्कूल या ट्रेनिंग स्कूल पता नहीं वहाँ पे तुम्हें अपना कम से कम वो तो मिलेगा तब उसके बाद हम लोग लाइसेंस के चले जाते हैं ट्रेनर लाइसेंस का तब उसके बाद हमको नातू मिलता है तब नातू का बताते हैं भाई इतना भरा दे देते हैं ये लोग बताओ तो हैर हो जाता वो भाई इतना खतरा होता ही है ये तब नातू का नाम मैं नाती रख देता हूँ क्योंकि हम लोग नाती रख सकते हैं अब तभी मुझे नाकी सॉरी तभी मुझे याद आता है वे जा सके मैं तो नाम अभी तक हुआ ही नहीं तो उसका एक प्रोफेसर वो आता है तब प्रोफेसर हमको बताता है कि यानी कि देखो मैं यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और तुमको के में क्या क्या मिला है तब उसके बाद प्रोफेसर हमसे बातें करता है मैं नाम अपना ए पी रख देता हूँ तब उसके बाद गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं गेम में तो मैं देखता हूँ भाई बड़ा ख़तरनाक चल रहा है अभी तक तो जीवे रूम हैक मतलब तो हम लोग स्ट्रेन साथ देते हैं तो तब वो बोलता है हाँ मेरा बेटा भी पता है तुम मेरे साथ आ जाना पहले और तब उसके बाद कहते हैं नहीं अभी पहले उसका लाइसेंस है हमारी मॉम कहती है पहले उसका लाइसेंस है दे दो तब उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है अभी ट्रेन स्कूल से लाइसेंस उसको उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें पता है तब उसके बाद हमारा वो कहता है कि मेरा एक बेटा भी है वो भी ट्रेन स्कूल में पता है मुझे उसके लिए एक वो चाहिए अच्छा खासा रेय पोकेमॉन जैसे कि वेनीपीड हो गया तो मैं जानना चाहता हूँ वेनीपीड कहाँ छुपा है रूना से पूछता है वो क्योंकि तुम यहाँ की जिम जिमरी रहो तो वो कहती है कि एक पार्क में है वहाँ पर दे देना वहाँ से तो गाइस तब उसके बाद हम जो कंटिन्यू करते हैं और तब उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरी रैम में आ जाना हमें रिसर्च करनी हो पता भी लगाना है कहाँ कहाँ रखा है तब मॉम हमारी कहती है कि डरो मत तुम लोग एडवेंचर पे जा रहे हो जाओ हमारा नाम रोशन करके आओ ठीक है तब उसके बाद हम लोग जाने रखते हैं मतलब जाने तो नहीं हाँ तब वो बताती है कि लोकेशन कहाँ है तब वो बोलते पहले सो जाना उसके बाद और क्योंकि तुम्हारा एडवेंचर बिगिन होने वाला है तो तुम सो ही जाना तो गाइस हम लोग सोने चले जाते हैं घर में सोते हुए पाते हैं तब एक क्वेस्ट दो क्वेस्ट अनलॉक हो जाते हैं हमारे क्वेस्ट तो उसका लोग बाहर जाते हैं घर के बाहर ही हैं पहले देखा भी दे वही पूरा घर है और मैं बस निकल पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ ये कौन सी जगह है क्रिमिनल्स वेलकम मतलब यानी कि ये पुलिस स्टेशन था तो ये कोई सिटी थी भाई पोकेशन